उत्तर प्रदेश के बस्ती में छठे चरण में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो गया है, लेकिन मतदान के बाद अब यहां पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बस्ती मंडी परिसर के स्ट्रांग रूम के बाहर मतदान के बाद वीवीपैट की पर्चियां मिली। वहां पर कई बच्चे इन वीवीपैट पर्चियों से खेलते हुए पाए गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। इस मामले में जांच के बाद एसडीएम ने इसे मॉक ड्रिल की पर्चियां बताया और कहा कि इसे नष्ट कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली कि ढेर सारी पर्चियां यहाँ स्ट्रांग रूम के पीछे ये जो अमौली गाँव है यहाँ पे मिली, तो हमारे कार्यकर्ता हैं, एक सेक्टर अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चला। हम लोग बैठे थे कचहरी पे, हमारे दो प्रत्याशी बैठे थे, माने राजकिशोर सिंह, माने जहीर अहमद जी, वहाँ भी बैठे थे हम लोग। कार्यालय पे चर्चा चल रही थी तो एक आए कि यहाँ सूचना गया, फिर हम लोगों ने वहाँ से जिलाध्यक्ष हमारे, हम जिला सचिव हैं राणा अम्बेडकर जी, सब लोग वहाँ से आए तो ये पर्ची जो है हम लोगों को मिला, जिसमें वीवीपैट की पर्ची मालूम हो रही है। अगर इस तरह से ये बता रहे हैं जो गांव के लोग जो बता रहे हैं, उस हिसाब से ढेर सारी पर्चियां थी और उसको कुछ लोगों ने जला भी दिया। देखिए, मेरे पास यहां से फ़ोन गया और कहने लगे कि आपके नाम की पर्ची यहां पड़ी है, हाथी निशान 4 नंबर यहां पर्ची पड़ी हुई है। तो मैं जब सुना, तुरंत मैं भागते हुए यहां पे आया और यहां पे देखा कि बहुत सारे हाथी निशान की पर्चियाँ जो है वीवीएम पैड की, वो यहाँ फेंकी गई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ डीएम साहब से कि आप डीएम साहब एक बात बताएँ, आप बार बार मीडिया में आप बयान देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, तो इस तरह से लापरवाही मुझे समझ में नहीं आती। और जनता में ईवीएम पैड को लेकर, ईवीएम मशीन को लेके काफ़ी वैसे ही कन्फ्यूजन सबके दिमाग में है, क्योंकि जब मैं गांव-गांव गया था वोट मांगने के लिए तो महिलाएँ कहती रहें कि वोट हम कहीं और देते हैं, मेरा वोट कहीं और कैसे चला जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से लापरवाही क्या है।